दोस्तों IPL 2020 से जुड़ी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कोलकाता नाइट राइडर्स के पांच ऐसे प्लेयर्स के बारे में बताने वाले हैं जो कि IPL 2020 में टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है वो की प्लेयर रहने वाले, सबसे खतरनाक प्लेयर जो है वो रहने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल लास्ट तक। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी हो कोलकाता नाइट राइडर्स के फैन तो फटाफट से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको क्रिकेट से जुड़ी सभी इंटरेस्टिंग अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में जो हमारे सबसे पहले नंबर के प्लेयर हैं वो है टॉम बेंटन। इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं टॉम बेंटन, युवा क्रिकेटर है और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हाल ही में चल रहे बिग बैश लीग में इन्होंने शानदार 16 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। T10 क्रिकेट लीग में भी इन्होंने 27 गेंदों में 78 रनों की पारी खेली थी। तो दोस्तों टॉम बेंटन जो है वो विस्फोटक बल्लेबाजी करने में सक्षम है और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए यह ओपनिंग करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारे सबसे पहले नंबर प्लेयर थे टॉम बेंटन, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे ये क्रिकेटर है। और बात कर लेते हैं हम इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर के बारे में। तो फ्रेंड्स इस लिस्ट में हमारे दूसरे नंबर के जो प्लेयर है वो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन इयान मॉर्गन। जी हाँ दोस्तों, इयान मॉर्गन जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है और साथ ही साथ आपको बता दे यह कोलकाता नाइट राइडर्स के बैकअप कैप्टन भी रहने वाले हैं। अगर दिनेश कार्तिक को कुछ हो जाता है तो ऐसे में इयान मॉर्गन जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी करते हुए आपको नजर आने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर में इनका कोई तोड़ नहीं है, मिडिल ऑर्डर में यह कोलकाता नाइट राइडर्स को काफ़ी अच्छी इनिंग खेल करके दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इस लिस्ट में तीसरे प्लेयर की बात करें तो वो है इंडियन स्पिनर कुलदीप यादव, चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव जो कि इस टीम के मुख्य स्पिनर रहने वाले हैं कुलदीप यादव, और यह कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में कुलदीप यादव से कोलकाता नाइट राइडर्स को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो है वो लगी हुई होगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट में हमारे चौथे प्लेयर के बारे में। तो इस लिस्ट में जो चौथे नंबर के प्लेयर है वो है सुनील नारायण। सुनील नारायण वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत दिनों से खेलते हुए आ रहे हैं और फ्रेंड्स आपको बता दें यह कोलकाता नाइट राइडर्स के स्पिन बॉलिंग के साथ साथ यह ओपनिंग बल्लेबाजी भी करके दे सकते हैं। शुरुआती के पावर प्ले में सुनील नारायण काफ़ी अच्छे खेलते हैं और ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स को सुनील नारायण से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद होगी। और दोस्तों इस लिस्ट में जो हमारे आखिरी नंबर के प्लेयर हैं वो है वन ऑन वन आंद्रे रसेल। आंद्रे रसेल जो कि IPL इतिहास के सबसे अच्छे फिनिशर्स में से एक है। आंद्रे रसेल का पिछला साल का जो स्टैट्स था जो वो काफ़ी अच्छा था, तो ऐसे में आंद्रे रसेल का कोई तोड़ रही है। आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद होगी आंद्रे रसेल से, और आंद्रे रसेल इस टीम के सबसे मुख्य प्लेयर में से एक रहने वाले हैं। तो दोस्तों मेरे अंदाज से यह पांच ऐसे प्लेयर्स थे जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL 2020 जितवाने में मदद कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ पैट कमिंस भी इनके टीम में है, दिनेश कार्तिक भी इनके टीम में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इस वीडियो में बस इतना।